लोग दूसरे व्लॉग में कमेंट करते हैं कि आपका व्लॉग 12 मिनट का क्यों है। Are you fed up of people saying why do you do skincare videos when your skin is bad yourself? Festival है तो proper outfit होना चाहिए, cleavage नहीं दिखना चाहिए, back मत दिखाओ, cover करके रखो। How do you deal with it? कभी कभार लोगों का मेरा ब्लेंडेड नहीं होता, लाइक मैं कर दूं क्या? आपको लगता है कि इवेंट्स में सब दोस्ती यारी निभाते हैं? Use your brains. Traffic is trafficking, guys. My knee has given up. Guys, Bollywood moment हो रहा है. Welcome to Get Ready with Us Q&A. हाँ Q&A किसने Q&A? ये व्लॉग 3 घंटे की मूवी हो जाएगी उसके बाद. तुमने कितना बिगाड़ के रखा है सबको, पता तुमको? लोग दूसरे व्लॉग में कमेंट करते हैं कि आपका व्लॉग 12 मिनट का क्यों बचा? 12 मिनट का बना क्यों रहे हो? मतलब शॉर्ट्स में डालो फिर 12 बार. हमको एक्चुअली फटाफट करना है तैयार, जल्दी जल्दी. या बिकॉज ना हमको धूप चेज करनी है अभी. कैन यू सी, हम जमीन पे बैठे हैं और हम पे धूप आ रही है. द धूप शुड बी व्हेन वी स्टैंड सो दैट हमारे मस्त हम दिखे हमारे घाघरा चोली में. ये कौन सा वाला है? सिलिकॉन वाला? नो, आई यूज स्मैश बॉक्स ओनली, बट आई लाइक दिस वन. आई लव दिस वन. आई लव यू. उन्हीं का दूसरा वाला है, नो फोर फीलिंग हम रीत को भी लेके जा रहे हैं गरबा खेलने. अज को दवाई लेने की कोशिश उसका बोन वो मैं तो ये डिपार्टमेंट में उसके दवाई ले. मुझे कभी काटा उसने aggressively? Dog owners get bitten the most. Don't you agree? As a dog owner, like yes. Dog owner. Whenever Fudge is sick, the aggression. मेरे बहुत खून बहा है मेरे dog. See, see कैसा अपन गुस्सा होते तो माँ बाप पे उतारते, तो Fudge गुस्सा होते तो मेरे पे उतारते है. वैसे ही है उसको. Why like this foundation? I hate this foundation. You don't like this? And I hate the brand also because it's so irritating to work with. I love this elf. Hello, hello. Oh, is it? No, it blends. It doesn't give you any coverage. You last. Goodbye, you. And not the kind of just my skin is here. Jeep. 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 I love the new Huda Beauty Easy Blur, guys. The hype is real. It's really good. अभी कितना अच्छा हो गया. कितनी सारी agencies आ गई हैं जो कि actually creators के लिए हैं. I know, like there are so many agencies to facilitate your job because to direct you back when we started content, who was there to tell us what to do, how much to charge? और तब ऐसे एजेंसी मतलब बहुत बड़े क्रिएटर हो तब जाते हैं. I remember One Digital had reached out to me when Prajakta Kohli was just booming and मैं बहुत छोटी क्रिएटर. अब क्या है फज में नॉट फज? फज really really good. Really good. मैंने यूके में आई थिंक सारे लुक्स के लिए सिर्फ यही ब्रशेस यूज़. लाइक इवन मेरे पास अभी कितने दूसरे ब्रांड के ब्लशेस है एंड इवन यूएस बेस्ड ब्रांड के. द ओनली लाइक फॉरेन ब्रांड दैट आई एम रीचिंग आउट टू डिस्पाइट पैकेज सारा इज शार्लेट टिलबरीज पिलो टॉक एंड पैट्रिक टज दैट ब्लश थिंगी. अपने को ऐसा करना चाहिए मालूम है. हां बैठ के कितना मजा आता है. वी कैन जस्ट टॉक. इट्स लाइक अ पॉट मेकअप एंड पॉट. या एंड वी डोंट इवन नीड टू लाइक मैं आधा कट जाएगा दैट्स ओके और इट्स सो थेरेप्यूटिक. आई फील लाइक हाफ द टाइम आई एम शूटिंग और पुटिंग मेकअप ओनली टू शूट एंड देन व्हेन आई एक्चुअली हैव टू गो समवेयर आई डोंट हैव मेकअप ऑन माय फेस. यस्टरडे आई वेंट टू आशीष's बर्थडे आई हैड नथिंग ऑन माय फेस. आई जस्ट शोड अप विद अ लिपस्टिक एंड ही वाज लाइक लगाया तो है मेकअप. लाइक जस्ट अ बॉय थिंग टू से. आई आल्सो लव दिस मिस्ट because अब जैसे मेरी जल हाँ it melts my makeup. That's why people are so confused कि पैकेज सारा मिस्ट इज फॉर सेटिंग कि इट्स फॉर प्रेपिंग और व्हाट. आई एम लाइक नो इट्स जस्ट अ मेकअप मेल्ट. वी शुड हैव कॉल्ड इट अ मेकअप मेल्ट. आर यू फेड अप ऑफ पीपल सेइंग व्हाई डू यू डू स्किन केयर वीडियोस व्हेन योर स्किन इज बैड योरसेल्फ? आई थिंक मैं अगर किसी का स्किन केयर वीडियो देखूंगी तो मैं उसका देखूंगी जिसकी एक्चुअली स्किन कंडीशन मेरी जैसी है एंड हु हैज सीन ट्रांसफॉर्मेशन. देन आई विल बिलीव दैट पर्सन की ठीक है दिस प्रोडक्ट वर्क्स फॉर हर एंड हैज वर्क फॉर इट. प्रॉब्ली इट माइट वर्क फॉर मी एज वेल. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज अ क्लियर स्किन जिनका कोई एक्नेशन नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं ना कि अरे उसने सफर नहीं किया तो वो कैसे अपन मेरे प्रोडक्ट जो रिकमेंड कर रहे हैं एक्ने के लिए काम करेगा कि नहीं. दैट्स हाउ आई फंक्शन. आई फील लाइक कि या डेफिनेटली पीपल गेट
ask us such questions. Like मेरे ना दिमाग में घुस चुका है अभी ये एक comment जो बार बार हर skin care video पे आता है कि तुम्हारी तो skin इतनी बकवास है तो तुम इतने products use करते हो तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, इतना पैसा है कुछ skin treatment करा लो, and I'm like I've done it all and I still know what works like what doesn't and मेरी skin मतलब यू नो कोई कोई लोग होते हैं जिनके अंदर से चीजें दिखती है, कोई कोई लोग होते हैं जिनकी बाहर दिखती है, मेरी हमेशा बाहर दिखती है. अगर बॉडी में गर्मी होगी तो अल्सर आ जाएगा मुंह में, जैसी बॉडी में हीट होता है आई गेट एन अल्सर इन द माउथ एंड द मिनट माय हार्मोन्स आर आउट ऑफ दिस माय एक्ने कम्स. If I use a bad brush or something, I'll get a pimple. Mm-hmm. So it's just something my body always wants to remove it. Like, yeah, exactly. You know, remove it from my body by putting a pimple or something. Exactly. So now in that case, I'm thankful to my immune system to respond in this way. Acne also, just because we have acne prone skin, that does not mean ki skin bekar hai ya acne scars hai, skin bekar. We actually need a moisturizer no matter what skin type you have. और अगर हम एक्ने प्रोन होने के बाद भी अच्छा मॉइस्चराइजर रिकमेंड कर रहे हैं वो हम इसलिए नहीं कर रहे, क्लियर कर देगा स्किन. एक्जेक्टली. ओह माय गॉड, दे वांट मिरेकल इन अ बॉटल. एवरीबॉडी दिस मॉइस्चराइजर इज गोना हाइड्रेट योर फेस, दैट्स व्हाट अ मॉइस्चराइजर डस. लाइक रिसेंटली आई गॉट अ कमेंट दैट इंडियंस कुछ भी लगाते हैं स्किन केयर पे तो ठीक नहीं होती है, एंड कोरियन लोग की स्किन देखो उनकी इतनी अच्छी है. देयर क्लाइमेट इज डिफरेंट एंड देयर जेनेटिक्स आर डिफरेंट, यू कैन नॉट कंपेयर इंडियन स्किन. लाइक एक्चुअली जो मेरा ये ब्लैक ब्लैक धब्बे दिखते ना, वो अगर मैं गोरी होती फेयर और स्पेक्ट्रम पे थी वो रेड दिखता. इट्स रेडनेस, मेरे को डर्मेट ने बोला इट्स रेडनेस, बट बिकॉज योर स्किन कॉम्प्लेक्शन इज डार्कर ब्राउन इट्स शोइंग अप एज डार्कर ब्राउन एंड नॉट रेड. तो ये रेडनेस है जो चली जाएगी, जो मेरी स्किन रेड नहीं हो जाती है ऐसी. आई एम नॉट दैट you know like pink, I want pink up when I'm feeling cold. Yeah. I will pigment the minute because my melanin reacts in that way. But I know so much about my body because I meet so many skin experts and I consult my dermat and I use so many products, I've done treatments. But still my skin will look, and the fact that we come on camera and are ready to show it. Hum bhi to filter laga sakte hain. Exactly, and that's what I log ko samajh nahi aata कि बहुत सारे लोग जो रिकमेंड भी करते हैं प्रोडक्ट्स, क्रिएटर्स हो गए, नॉर्मल पीपल हो गए, दे एड्स मेनली तो एड्स, फॉरगेट क्रिएटर्स, इतने एड्स में वो लोग मेकअप के ऊपर मॉइस्चराइजर लगवा के दिखाते हैं. एंड क्यों क्लिनिक प्लस वगैरह की एड में जिस तरीके से दे पुट द हेयर एंड ऑल दैट्स रियल हेयर. Nobody no, shows no, real. That then, to we all know it's exactly. not. Exactly. मेरे को बचपन में लगता था पता है. Yeah, exactly. Same. इतने सही बात हो गए यार. Same. Same, right? तो जब मैं जब भी मैंने भी ऐसा kid ads देखी हूँ, कोई भी एक्ट्रेस आती थी एंड देन सडनली एक प्रोडक्ट से ठीक हो जाती थी, जो थिंक कि अरे ये प्रोडक्ट ऐसा काम करता है तो इससे ऐसा हो जाएगा. बट नाउ कंटेंट क्रिएटर्स आर शोइंग यू कि भाई इतना जादू नहीं होने वाला है, कुछ यूज करो ठीक हो जाएगी. मतलब यू नो लाइक आई एम नाउ सेइंग कि मेरे को रेडनेस हुआ कोई प्रोडक्ट की वजह से, पॉसिबली रिएक्टेड बैडली. सेम थिंग इफ इट्स वर्किंग फॉर मी, इट विल स्टार्ट रिपेयरिंग माई स्किन, एंड स्किन रिपेयर इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दिस. आई नो हाउ बैड माई स्किन वॉज एज अ टीनेजर एंड हाउ मच माई स्किन रिपेयर हैज हैपेंड टुडे. As a 25 year old, इतना मेरा skin repair हुआ है only because of good products. And my skin goes through phases, okay? Like तूने देखा है ना, एकदम बहुत ही ऐसा time आ जाएगा कि पूरा acne से भर जाएगा, फिर clear हो जाएगा, फिर थोड़े बहुत वापस. It's because you travel chalu then you tera gut inflame ho jata hai aur fir teko it's actually all your gut health only. No, my skin got clearer when I was in UK. Of course UK ki hawa, UK not UK ka travel mein bol rahi hu, tu Odisha jati thi, Odisha jati thi bahut, Odisha aur ye kar rahi thi na tabhi teri skin bahut kharab ho gayi thi, up and down kar rahi thi. क्योंकि तो स्ट्रेस भी लेती है तो स्किन पे दिखता है. एंड लोकल ट्रैवल अपना मुंबई में बहुत पॉल्यूशन है. माय मेजर थिंग विद माय स्किन इज क्या ट्रिगर करता है इज एक्चुअली लॉट ऑफ स्ट्रेस ओनली अगर, एंड दैट इज ऑल अबाउट हार्मोन्स ना. सो मेनी पीपल गेट डैंड्रफ because of stress, you know, like uncurable dandruff because of stress is, oh my god, I've realized that such a bad thing. Stress ka koi ilaaj nahi hai, aur trigger bhi kisi bhi cheez se ho jata hai yaar. Sahi hai, like kisi ko bolna stress mat lo is the most stupid advice you can give somebody because sabki jeevan mein stress hai. दीक्षा कितना सही मेकअप करती है यार, बहुत सुंदर, बहुत ही सही मेकअप करती है, वेरी प्रीटी. उसको देख के लगता है नो लेट दैट जस्ट ट्राई समथिंग न्यू विद मेकअप आल्सो, लाइक बहुत ही सही करती है.
also अदाए इतनी हाँ like उसको पता है so much so much she knows how to pose and how to you know get the audience's attention with the transition like she's creative in the whole sense she's not just creative with her makeup she's also creative with her transitions and everything that I find very attractive I really like Rajvi's content on Navratri. I really like how she's very badass. Like she doesn't give a shit what people are saying. Gandhi, Rajvi Gandhi. I think I've seen She's like pakki Gujarati. Now she's doing this series where she's dressing up content creator friends into Gujarati outfits. Got it. Then वो खुद भी fusion looks करती है. मतलब वो मुंबई की गुजराती है तो वो दिखता भी है कि उसके looks में उसके fashion में मतलब बहुत चमकता है. मतलब सही कहती है. मेरे को मजा आ रहा था उसका content देखने के लिए. उन्होंने अभी रिया का किया था. हाँ yes. Like instead of I feel like you know what I was also doing till last year for Navratri. First I used to do makeup looks inspired by the 9 colors on YouTube. Also I did a series on Instagram. Also I did. Then I used to do transitions when reels had come. All this I have also done. But with her I find like it's actually inspired by the colors makeup look. People are not really wearing that much makeup and going for this. So that's why this year I really didn't feel. Plus अपने जो last year भी outfits किए थे, they were not very अपना दोनों का तो फिर भी था. But मेरे जो 9 दिन के collabs थे not all were very Navratri appropriate. So I got a lot of backlash. The outfits you're wearing is not Navratri appropriate, and I didn't want it to be a Navratri series as such. It was going to be 9 days of colors only. That's why I did not name it Navratri. But then you're inspired by the colors, so of course people will think it's that. But it didn't translate like properly. Outfit also. But difficult ho jata hai source karne. Source ki baat nahi. Jaise I know what you mean ki outfits ko leke mujhe aisa lagta hai ki log na log ek perspective leke chalte hai ki nahi agar festival hai to proper outfit hona chahiye, cleavage nahi dikhna chahiye, back mat dikhao. कवर करके रखो बट वो सब ठीक है वो तो मुझे भी मिलता है मुझे ईद के लिए भी मिलता है बट दैट्स व्हाट आई थिंक इज रॉन्ग क्योंकि आप करते हो अपने घर में करते हो आपको पसंद है पर हो सकता है कि सामने आप सामने वाला भी तो सोचो कि नहीं उस वो अपने घर में अपने तरीके से रहता है उसको कैसा पसंद है इतना लोग ऑनलाइन नहीं सोचते वो क्यों नहीं सोचते मुझे वो लगता है इतना लोग ऑनलाइन नहीं सोचते Because I feel like people are consuming for themselves, so they are like ये हम तो नहीं करेंगे. Oh yeah. So their perspective, yeah, their perspective ये हम तो नहीं करेंगे. तो तुम relatable नहीं हो. तो तुम निकलो यहाँ से. तो वो बहुत गंदी तरीके से बोलते हैं on comments में. But their main thing is you're creating content for them, not just to watch, to use. So last year I realized that my Navratri series did not do much for people. It was visually a treat maybe, like it was entertainment, but I'm not an entertainment creator. I'm not coming here as a comedian to perform or something. I'm not entertaining you, right? So then you'd rather watch a dancer entertain you, and I will give you something which is useful. और फिर मैंने सोची कि you know Navratri as a festival मैं इतना relate ही नहीं कर पाती हूँ because मैं इतना गरबा खेलने जाती नहीं हूँ. I have not been brought up in a Gujarati environment, so I can't relate to the festival at all. Because you know at least as a Mumbaikar in Ganpati, I can relate to the festival so much. So maybe I should take a step back from the Navratri. So this year I really decided that I will take a step back from Navratri and I will enjoy every. फेस्टिवल एज इट कम्स फेस्टिवल के नहीं होते से एंड नॉट कि कंटेंट बनाना है तो कंटेंट बनाते हैं एंड आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग मोर कि आज अपन एक्चुअली गरबा करने जा रहे तो वी आर गेटिंग रेडी ना तो मुझे ज्यादा मजा आ रही है मुझे जिंदगी जीने में भी मजा आ रही है मुझे कंटेंट करने में भी मजा आ रही है कि आई एम नॉट फोर्सिंग ना सी हाउ राजवी इज गुजराती सो हर कंटेंट इज ट्रांसलेटिंग सो वेल ऑल हर नवरात्रि हैक्स आर यूजफुल हर आउटफिट्स आर यूजफुल हर कंटेंट इज यूजफुल टू पीपल विल एक्चुअली यूज इट सेव इट एंड वॉन्ट टू रिक्रिएट दोज लुक्स एंड या तो आंखों की नैन्स हुक वाला कंटेंट बना रहे हो या तो आप हेल्पफुल कंटेंट बना रहे हो वैसा sure. Especially creators like us, we've not become famous through entertainment. So we, it's difficult for us to establish ऐसे concepts के मैं जो पहनना चाहूँ मैं पहनूंगी तुम अपन relatability से famous हुए तो अपने को हमेशा relatable रहना पड़ेगा audience. क्योंकि देन व्हेन पीपल टेल मी यू नो व्हाई आई डिडंट व्लॉग माय लुई विटन बैग लाइक शॉपिंग दैट बैग एट द पेरिस एयरपोर्ट बिकॉज़ आई वाज लाइक नॉट इवन 1% पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू व्हाट आई जस्ट डिड दैट इज सो आई डिडंट व्लॉग समटाइम्स यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम इवन व्हेन आई एम यूजिंग माय मेकअप I made it this a habit. अगर मैं कर रही हूँ मेकअप तो मैं ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करूँ जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल यू नो ले पाए खरीद पाए अगर वो देख रहे हैं उस वीडियो को और मैंने बनाया ही इसीलिए तो मैं कोशिश यही करती हूँ मैं अफोर्डेबल ही रखूँ Which is your favorite fixing spray? Max Fix Plus and ये backup. तूने इतना अच्छा है मेकअप किया है मेरे इतने अच्छे मेकअप करने की इरादा नहीं है मैं आई मेकअप करूँ मैं और आई मेकअप करूँ मैं ब्यूटी क्रिएटर हो गया
मैं करती नहीं हूँ ऐसा इतना जाने के लिए. मैं बोली ना एक्चुअली बाहर जाने के लिए कुछ नहीं. अभी एक्चुअली इज द परफेक्ट टाइम वी कैन स्टार्ट विद अ गेट रेडी विद मी. सी अब मैं पूरे पूरे रूम में मस्त सी गाइस मैं पर्दा लगा. अब समझी व्हाट यू मेंट. क्या सनसेट होगा ना सुंदर. बट उसके लिए हम यहाँ नहीं होंगे. मतलब हम मेट्रो में होंगे. हम इस दुनिया में होंगे बट हम मेट्रो में होंगे. मैं ना एकदम बोल्ड लिप करती हूँ और इतना आंखों को नहीं मटकाऊंगी. मैस्कारा कौन सा लगाती है शालिनी. मैस्कारा आई एम स्टिल trying to find a mascara that I will like fall in love with. I'll tell you. Haan, you will fall in love with the Benefit Bad Girl Bang. It's so See, I like this gold. Mascara. Invest kar na isme invest. Why have it? Maine isse khol ke bhi lagaya nahi isko. Kyun ye kitna acha hai? Ye bahut acha mascara hai. I've gone through tubes and tubes of the Benefit Bad Girl Bang mascara. This is also good, Shalu. Bye. Ye kahan se liya tune ye? International Makeup India ka ek page tha. यार उनको जब मैं डीएम करती हूँ कि कुछ क्वेरी करती हूँ मेरे को तो कभी रिप्लाई नहीं करते हो. मेरे पास उसका फोन नंबर है वो ओनर का. हाउ डू यू डील विद हेट. व्हाट काइंड ऑफ हेट. टाइप्स भी होते हैं. आई फील हेट के भी टाइप्स होते हैं. हेट दैट कम्स ऑन योर फैमिली बिकॉज़ दैट्स व्हाट पोक्स मी द मोस्ट. क्योंकि ना मैं अपनी फैमिली को दिखाती नहीं हूँ. तुमने देखा होगा मैं बहुत कम इवेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने पापा बीमार हुए थे और थोड़ा बहुत ब्लॉग भी जब मैंने किया था वो मैंने प्राइवेट कर. आई जस्ट फेल्ट लाइक इन नो क्योंकि इतना चेंज एज अ पर्सन विद इन लाइक 15 डेज. आई वाज लाइक नो नॉट वर्थ इट. हटा दिया मैंने उसको बिकॉज आई फील लाइक दे आर नॉट यूज्ड टू दिस. They have not seen me vlog with them or like my audience have not seen that a lot. And जब वो कैमरे में आते भी है ना तो मेरे पेरेंट्स पता है कैसे they're not naturally like that in front of camera. Yeah, of course, of course. तो वो थोड़े से वैसे हो जाते. घर में मेहमान आते तो फिर कैसे बिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए. मेहमान आए अच्छे से बैठे कपड़े तो पहन लो ढंग से वैसा. वो नेचुरली निकल के नहीं आता उसको. मुझे लगता है वो फोर्स नहीं करना. अगर आएगा कभी फ्यूचर में तभी बहुत कम लोग देखते थे. माय फैमिली वाज बिकमिंग स्लोली स्लोली कंफर्टेबल. ऐसे मत ले वैसे मत कर ले. अब तो देखिए कि मैं मम्मी के घर पे व्लॉग ही नहीं करती ज्यादा. अब अगर लाइक यू नो मतलब हम जैसे घर में कैसे भी झल्ले जैसे रहते थे एंड वी यूज्ड टू लाइक आई यूज्ड टू पुट देम ऑन कैमरा. नाउ माय पेरेंट्स आर लाइक मत डाल मत कर. कभी कभी क्या होता है जब हम एडिट कर रहे होते हैं हमको लगता है नॉर्मल चीज है ठीक है चल लो. बट देन पीपल पिक ऑन इट. यस और फिर वो कॉन्वर्सेशन उसी के बारे में बन जाता है. देन यू रियलाइज कि तो ये तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया था वीडियो में. यस तुम्हारी हस्ती नस्ती बिगाड़ देंगे कि तुमने सोचा ही कैसे तुमने ऐसा बोला ही कैसे तुमने ये किया ही कैसे. एक चीज पसंद नहीं है जो ब्लॉगर्स के साथ होता है कि लोग हक समझ लेते हैं कि नहीं हम तुमको कुछ ही बोल सकते क्योंकि तुमने अपनी लाइफ हमारे सामने डाल दी है. तो ये मुझे ना चुभती है बहुत कि नहीं तुम हक ठीक है तुम हमको बोलो सुनाओ एज अ फ्रेंड बोलना है एज अ व्यूअर बोलना है पर तुम ये बोल जाते हो कि वी आर ऑल्सो लिटरली जैसे आप एक इंसान हो. आप अपना घर डेली इमेजिन आप अपना घर ऐसे डेली ब्लॉक कर रहे होते हो. No, but that's the thing, na, Shalini. These are the kind of people who will not even listen जब उनके माँ बाप बोल रहे होंगे उनको. बट उनको यू डोंट रियलाइज हू इज टेलिंग यू. यू थिंक एन एजुकेटेड पर्सन हु हैज सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ हु हैज सेंस ऑफ दिस इज गोइंग टू कमेंट समथिंग बैड ऑन समबडी लाइक ते चल ते को भी सब नहीं अच्छे लगते होंगे. मेरे को भी सब नहीं अच्छे लगते. मेरे को सबका कंटेंट नहीं अच्छा लगता होगा. बट मैं थोड़ा चाहती सबके नीचे वीडियो के नीचे यू नो या बिकॉज आई विल नेवर डू एनीथिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू समबडीज सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी और हर्ट समवन ऑन पर्सन. बट जो लोग ये कॉमेंट कर रहे हैं वो लोग खुद अपने माँ बाप की भी सुनते हैं कि नहीं वो अपन कैसे चेक करेंगे. अपन थोड़ा घर पे जाके देख सकते हैं. सच अ फाइन लाइन बिटवीन लाइक गिविंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड हेटिंग ऑन समवन. इट्स नॉट अ फाइन लाइन. इट्स नॉट अ फाइन लाइन. इट्स नॉट अ फाइन लाइन. प्ले ऑफ वर्ड्स ब्रो. दे प्ले विद या दे प्ले विद व्हाट दे प्ले विद आवर माइंड्स. आई लाइक हाउ माय ब्रोज. आई एम सो पर्टिकुलर अबाउट माय आईब्रोज. आई एम आल्सो अबाउट माय लिपस्टिक. I don't like how makeup artists do skin. Like I'm a lightweight skin girl. हाँ कुछ लोग ऐसा करते कुछ makeup artists कर सकते. बहुत makeup करते. I need like everything to look like एक ही layer. And I need कि वो blend हुआ हो. Oh my god. कुछ कह सकते एक बार ऐसा. हम कभी कभार लोगों का makeup blended नहीं होता. I'm like मैं कर दूँ क्या. मुझे इतनी chill मचती है ना events पे भी. Like if I see like
somebody's lip is too overlined or something. It's like, can I help you a little bit over there? क्या आपको लगता है कि इवेंट्स में सब दोस्तियाँ ही निभाते हैं कि they are just there? This तो you know how I feel about it. इवेंट्स को देखे ना पहले मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती थी और अभी भी मैं हूँ जब मैं किसी नए ब्रांड्स के साथ काम कर रही होती हूँ क्योंकि दीज ब्रांड्स में सिर्फ सपना देखा करती थी नाउ आई एम एक्चुअली वर्किंग विद देम एंड आई विल नेवर बी अनग्रेटफुल हाँ See, as a brand, तो मैं brand के I love meeting the brand team. I love meeting creators also. I'm not saying that हम creator की industry is like polluted or something like that. No, I'm not trying to say that. But there is definitely a lot of, I would say, I don't know if it's a girl thing, a lot of gossip. Like, just वो जो लोग होते हैं ना जो रुके ही रहते हैं कि they will like come at you or they will judge you and they are also present. They're definitely present or they will be so like now I've noticed a pattern with creator events कि सब अपने अपने friends के साथ आते हैं अपना स्टोरीज और वीडियोस लेते हैं और चले जाते हैं अपना पीआर उठाते चले जाते हैं दे डोंट इवन वेट टू सोशलाइज दे डोंट इवन वेट टू एक्चुअली नेटवर्क और मीट पीपल और एनीथिंग लाइक दैट सो बाय द टाइम यू आर रीचिंग प्रोबेबली अदर्स हैव लेफ्ट और व्हाटएवर एंड आई इट्स फेयर इनफ ओके एवरीबॉडी हैज अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ एंड यू कांट बी एट एन इवेंट ऑल द टाइम बट वो कुछ मुझे कुछ मजा नहीं आता है यार इवेंट पे लाइक आई डोंट नो समथिंग अबाउट इट डजंट सिट राइट विथ मी कि बस आए 15 मिनट हाय हेलो बोला सबकी स्टोरीज दे ली तुम अपने दो लाइक इट्स लाइक अपन दोनों गए फटाफट वीडियो लिए चलो चलो हाँ मतलब चलो चलो निकल जाए तो मोस्टली आई सी everyone डू दिस एंड दैट डजंट सिट राइट विथ मी देन लाइक यू नो मजा नहीं आया लाइक यू नो आई जस्ट फील लाइक आई डिडन गेट टू मीट एनीबॉडी एंड everybody जस्ट टेकिंग their ओन videos everybody स्टैंडिंग इन queues एंड टेकिंग videos एंड सब लाइक लाइन में लगे हैं कि चल मेरी ले ले मेरी मेरे वीडियो लेना ही तुम्हारा मेन है लाइक आई लव यूट्यूब इवेंट्स बिकॉज यूट्यूब नेवर एक्सपेक्ट्स एनीथिंग फ्रॉम यू एंड रिटर्न दे डोंट वांट यू टू पोस्ट एनीथिंग और दे लाइक इट्स खुला मैदान है राइट तो भाई मैं थोड़ी कंफ्यूज सी रहती मैं क्या कर रही मैं कभी वैसे था मैं यार मैं ब्रांड के लिए आई हूँ बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू पीपल बट देन ब्रांड वाला काम तो पहले कर रहा हूँ जब तक ब्रांड वाला काम करो फिर लगता है लोग चले जाएंगे ये हमेशा होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑल आई नो द पीपल हु आर ऑलवेज मीन लाइक नैने का मुस्कान ये लोग मैं हमेशा हर इवेंट में देखती हूँ But there will never be like I will have a quality conversation with any of them at these events. Events because नहीं हाँ नहीं होता. Like even if say I'm talking with Nenika or something, Muskan will come and say hi. Somebody else will come and say hi. तो वो conversation टूटती रहती है and it just goes in flow. So I'm just not an event kind of person because मुझे ऐसे ज़मीन पे बैठ के ऐसा बात करने गप्पे लड़ाने मज़ा आती है. सो दैट वाइब नहीं मिलता और फिर मुंबई के ट्रैफिक में दो दो घंटा अटक के जाओ और 15 मिनट तुम खाली घुलो मिलो भाई मेरे को मैं ना जब भी इवेंट से घर आती हूँ मैं दुखी आती हूँ आई रियली कम होम सैड एंड दैट्स अ ट्रूथ आई एम नॉट गोना मास्क इट बिकॉज आई फील लाइक क्या किया आज मैंने जब मेरे को कभी मेरे मम्मी पापा पूछते आज अच्छा था इवेंट आई एम लाइक हाँ था लाइक यू नो ऐसा कुछ एक टेल यू कि ऐसा कुछ हुआ कि धमाकेदार लॉन्च हुआ लाइक अ सैमसंग इवेंट वाज लाइक अ ह्यूज थिंग वी वेंट टू दिल्ली इट वाज अ ह्यूज लॉन्च एंड देन व्हेन यू आर मीटिंग देयर इज अ लॉट ऑफ फूड इन्वॉल्वड इट्स अ ह्यूज इवेंट यूट्यूब इवेंट्स ह्यूज इवेंट्स वेयर यू एक्चुअली विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू ऑल दिस आई थिंक ब्यूटी इवेंट्स आर मोर लाइक अ क्विक क्विक गए गए हम काम किया दैट आई एम नॉट अ फैन एंड देन जितने ग्रुप्स है उतने गॉसिप मॉन्गर्स भी है तो मेरे ज्यादा पैसा भी हो गया कि चले जाओ यार क्या पता कल हमको कोई देखी ना देखे हमारी बारी खत्म हो जाए देन न्यू सेट ऑफ जनरेशन न्यू सेट ऑफ पीपल विल कम ना विद इन नेक्स्ट 5 years यू नो दिस Not just next 5 years. I feel like already the next gen has come. Already I see so many. हमारे भी बच्चे आ रहे हैं. So understand what do you mean? क्योंकि मैं ट्रैफिक को लेके तो I totally understand this. क्योंकि मुझे पता है एक बार मैं इवेंट में ना 1.5 hours लगे थे पहुंचने के लिए. इवेंट 15 minutes में खत्म हो गया जब मैं पहुंची. और मुझे वापस आने के लिए ट्रैफिक दिख रहा था 2.5 hours. मैंने बोला मैनेजर जब ट्रैफिक क्लियर होगा तब जाऊंगी. One thing I do in first of all गए इवेंट पे जो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे जाके बनाओ उनसे जाके नेटवर्किंग करो दैट विल एक्चुअली हेल्प With you, with help you and your career. Yeah, of course. I think it's more like I just see events as attendance din ja rahi hu. Like main bata de, are dekho main aayi hu. ये term use भी करती पता कि मैं शादी में attendance से क्या जाऊंगी? और क्या देखो जा रही है लड़की इफ आई मीन शालिनी वाज एट एन इवेंट नो वी विल नेवर बी एबल टू टॉक लाइक दिस कितनी बार वैसे नहीं बात कर पाते वी विल देन हैव टू प्रोबब्ली इफ शी यू नो मोस्टली लाइक शी इज सेइंग कि 2 घंटे का ट्रैफिक दिखा रहा है चल कहीं डिनर करने बैठ जाते इधर ही फिर बाद में निकलेंगे तो वो एक नागालैंड में कहां लिटरली अपन 5-10 मिनट की तो बात की रहने हाँ नायकालैंड वाज लाइक अ प्रॉपर मेला ओनली ना तो इट वाज लाइक वी वर लॉस्ट बिकॉज आई वाज वर्किंग फॉर अ डिफरेंट ब्रांड एंड शी वाज
तो इट वाज लाइक प्रॉपर मेला तो वी वर एट डिफरेंट स्टॉल्स बट नॉट नायकालैंड आल्सो इवन इफ इट्स अ ब्यूटी इवेंट लाइक अ छोटू सा जो रेस्टोरेंट्स में होता है मोस्टली ब्यूटी इवेंट्स बट नायकालैंड वाज सो गुड यार ये सब और भी अच्छा किया उन्होंने मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड This year they are saying it's going to be even bigger, but I can't see any hype here. It's already They've started selling the tickets. No, I don't know if I'm going. Are you going? क्योंकि जिन जो जो ब्रांड्स हैं उनके साथ वो सेपरेटली इवेंट्स भी करते हैं अपना ऐसा होता है ना या ऑफ कोर्स लास्ट ईयर बहुत लास्ट मिनट आए थे उसके कोलैब्स क्योंकि नायकालैंड पहले हां नायकालैंड उन्होंने एक हफ्ते में ऑर्गेनाइज किया था या कुछ इवन दो इट वाज सच अ बिग स्केल दे विदिन 2 वीक्स दे एक्टिवेटेड द एंटायर ब्रांड्स ऑल ब्रांड टीम्स वर टेलिंग मी लाइक इट वेरी लस्ट आई लव दिस कलर I love this color. I planned for this color with my lehenga. वो उस नहीं वो इस color के लिए makeup किया अपना. ये मैं कल रात को भी पहन के आशीष के बर्थडे पे गई थी. This is called illicit kiss from. बहुत सुंदर लग रहा है. Tom Ford Beauty. See, I did the accent. Yeah, she does it with them. वो अब तो used to हो गए सब लोग. It's because it's a luxury brand. She will do the accent. It's a weird accent. It's all See, like I will. Go. Chanel is Chanel. Louis Vuitton. After normally ordering. Louis Vuitton. Yeah. कभी कभी बात करते करते मैं भी ऐसी बात करना शुरू कर It is the correct pronunciation. नहीं 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 मैं देखो उसकी बात करी बात करने का जो तरीका होता है ना यू वी डू दैट चेंजिंग द एक्सेंट वी ट्राइंग टू बी या सो इट्स सोबो इज नॉट सोबो इट्स लाइक हाउ टू से इट्स मोर लाइक ट्राइंग टू बी वन्नाबी ऐसा नहीं है कि अरे मुझे बनना है मुझे मजा आता है ऐसे बात करने के लिए कुछ कुछ चीजें मजों के लिए भी करना होता है सब थोड़ा सोशल अवेयरनेस के लिए क्योंकि कौन सा टॉम फोर्ड वाले पैसा दिए मैं खुद जाके 9000 की लिपस्टिक खरीद के सो प्रिटी आई लव दिस लिप ऑन मी इट्स सो फील लाइक इट्स इन मी Okay. मेरा घुटना गया जी नया अपैरल का डिजाइन दिखाओ कलर भी डिसाइडेड है सो क्यूट टोटली मेक सेंस कौन हु केम अप विद दिस दिस इज सो नाइस यू बेस्ड ऑन रियल लाइफ यू यूज योर ब्रेन्स निकालो इसको कर दो निकालो इसको कर दो एक तो वो घुटने को पॉइंट आउट करती है ब्रेन बोल के शेन को लेट्स चनिया चोली ग्लोरी आई लव दिस फिट सो मच हम इतनी जल्दी तैयार हो गए थे बिकॉज सनसेट के टाइम पे हमको शूट करना था गोल्डन आवर में तो हम झट 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 तैयार हो गए और रील रिकॉर्ड कर ली उसके बाद मैं एडिट पे बैठ गई एंड शालिनी कितनी सुंदर लग रही है शालिनी यस दिस इज हर लुक मैं तो क्या कर रही थी जब मैं एडिट कर रही थी मैं भूल ही गई मैं सिल रही थी ब्लाउज शालिनी का ब्लाउज अजहर ने पता नहीं कौन सी साइजिंग में कर दिया था इट वॉज आपकी भूली की ये मेरा साइज नहीं है तो सारा बोलती तू पतली है इतनी सारा आई नो माय बॉडी है मुझे नहीं आता So she was stitching a blouse and I was editing my reel and now we are ready to go play garba. We are going to Nesco and this is a choker that I removed. Yes, because मुझे बहुत चोक मुझे actually chokers इतने चोक करते मैंने सिर्फ shoot के लिए पहना था मैं रिक्शा में पहन लूंगी हम रिक्शा में जा रहे हैं बिकॉज मेट्रो goes उल्टा सुल्टा पप्पा बोले तो रिक्शा इज द बेस्ट वे टू गो लेट्स टेक मिस्टर रीत एंड गो फॉर ट्रैफिकिंग यस बोल द ट्रैफिक है बट 20 मिनट दिखा रहा है एंड बोनाइटा इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम हर हाउस और उसको भी 20 मिनट दिखा रहा है अभी सो एटलीस्ट हम साथ में पहुंचेंगे गर्मी नहीं है लकीली बहुत ज्यादा ट्रैफिक है कुछ भी उसको गर्मी नहीं लगती नहीं ऐसा कैसे मैं तो एसी में रहती हूं गर्म लगे छे लगे छे नहीं आई एम गुजराती डोंट यू नो आई एम इन नवरात्रि रीत इज एडिटिंग इज रील इन्होंने सिर्फ हवा मारने के लिए लिए सिर्फ अपने आप को हवा मार अंदर मिलेगा हमको एंट्री ठीक है सब बोल सबको बोल दे 21 दिन में पैसा डाल उसकी फेवरेट मूवी है हेरा फेरी उसका डायलॉग मारे बिना उसे खाना नहीं पचता हेरा फेरी इज गुड हेरा फेरी इज बेटर
बना के दुपट्टा लगा के ऑलरेडी बैठे हैं गाइस। हाँ ऐसी होता है, तुम कभी नहीं गए हो खेलने? पहली बार ही गए हो? ओह माय गॉड, ईद का फर्स्ट टाइम है। ये सारी जगह तो ले लिया है नोन। छोले भटूरे yesterday only, now no छोले भटूरे। दिल्ली, आगरा, कोलकाता and I'm goti soda also। और समोसा पाप। यार राइट टाइम पे रीत और मैं फूड कोर्ट जाके, अभी इंटरवल हुआ है तो सब इधर के उधर और उधर के इधर चल रहे। शालिनी, आर यू ग्लैड कि तेरे को खाना पीना मिल चुका है? एम आई नॉट द बेस्ट? मालूम है, इसलिए मैं तेरे पास बिना खाए वापस आती हूँ। मैं और रीत तो खा लिए थे वहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग आउट ऑफ नेस्को बिकॉज हमारा तो हो चुका। मजा आया थोड़ा सा, फिर मेरा घुटना भी गिव अप कर दिया। पहला इंटरवल हुआ है बट हम जा रहे हैं गाइस। बॉलीवुड मोमेंट हो रहा है, कंगन अटक रहे कुर्तों में। आई वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू गो होल्ड अनदर मैन्स हैंड हु वाज वेयरिंग अ ब्लू कुर्ता, सो नाउ रीत हैज अटकाउड मी ओनली। Okay, I'm in Kolkata editing this video and I just realized that there's no outro to this vlog. So I hope you guys enjoyed. We had a lot of fun playing Garba. I don't know the players really well. So I was only there when they were playing slowly, slowly. And then as they go faster, I get hurt. Plus, my leg is bad, you all know that. So because of my leg, I could not play very well. Also, like keep up with their pace. But also, Nesco was really crowded. And there is a sense of like, you know, unka khud ke circles hote, to wo log kisi ko bhi entertain nahi karte. So I personally prefer society Garbas over this bade wale grounds because at least they are all welcoming in a society. Ke bade wale grounds mein they already have their group, so they don't let you come in their group. It was fun nonetheless. Hope you guys enjoyed watching this video. If you didn't, write a big thumbs up. I will see you guys very soon in another video from Kolkata, and you gotta stay tuned for the experiences we are having here. Bye, I love you. Mwah.